हेलो, कैसे हैं सब? मैं विजुअल एंड ऑडिबल. ओके. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. हाय भविष्या. हाय एवरीवन. यस, जल्दी आ गए मैम. सो सॉरी, 1 मिनट लेट हो गई स्ट्रीमिंग. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन एंड मेजरमेंट. जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बेसिकली हमने यूनिट कन्वर्जन, स्टैंड यूनिट्स, एसआई यूनिट, सब की बात कर ली थी. एंड टाइप्स ऑफ मोशन की भी हमने बात कर ली थी, राइट? हमने स्पीड का फॉर्मूला भी देखा था. तो हमने ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर कर ली है मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर से. तो आज हमने करना है एनसीईआरटी का सोल्यूशन. एंड ऑल्सो विल हैव टू मेंटीज, डोंट वरी अबाउट दैट. वहां से भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी और यहाँ से भी मैं आपसे क्वेश्चन आपको बताऊंगी फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाय भविष्य. हाय जस्मिता. हाय एवरीवन. लेट्स मूव ऑन. माय नेम इज स्मृति. आपकी स्मृति मैम, साइंस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी 6. एंड आई हैव डन माय मास्टर्स एंड माय बैचलर्स. दिस इज माय कोड. एसएम राणा इज माय कोड. डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस कोड. एसएम राणा इज माय कोड टू गेट 10% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन और स्पेशल क्लासेस. या कुछ भी आपको अनलॉक करना हो बच्चा, कैन यूज माय कोड, ठीक है? एस एम राणा मत भूलना. एंड ऑल्सो आपका लास्ट कल 7 बजे के सेशन में मैंने क्या कराया था आपको? 7 बजे के सेशन में मैंने करवाया था आपका, व्हाट इफ यू कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, राइट? हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कल बात करी थी 7 बजे. अगर आपने नहीं अटेंड करा, आप हमेशा रिकॉर्ड सेशन देख सकते हो, ठीक है? हाय विश्वजीत. तो जो भी बच्चे नहीं अटेंड कर पाए थे कल मेरी 7 बजे का सेशन, वो जल्दी से जाके देख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है. मैम सुबह और एक शाम को आती है, तो आप सेशन जरूर देखना. तो बच्चा मेरा यूट्यूब स्केड्यूल यही है. मेरा यूट्यूब स्केड्यूल 11 and 7 PM ही है, मंडे टू संडे. मेरा टाइमिंग चेंज नहीं होता. बाई चांस अगर मैं कभी ना आऊँ तो आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू टेलीग्राम. टेलीग्राम में मैं लिंक हमेशा शेयर कर देती हूँ, तो आपको वहां से पता चल जाता है कि मैम की क्लास कब है. एंड कोई भी अपडेट्स है, कोई भी नोट्स है, कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम ऑल्सो. ओके, कोई इंटरेक्शन करनी है टीम के साथ, यू कैन डू इट थ्रू टेलीग्राम. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा होता है. अच्छा, आज क्यों स्पेशल है? आज क्यों स्पेशल है सब कुछ? आज आपका वाईटी फेस्टिवल है. थैंक यू भविष्य. थैंक यू, थैंक यू. मेरे को ना सब बोलते हैं मैम स्टीम ले लो थोड़ी सी, ठीक हो जाओगे. थैंक यू सो मच. नमस्ते ईशु. आज स्पेशल इसलिए कि मैम की 3 टाइमिंग्स है. आज आज 11 बजे तो है ही मैम आपके सामने, 7 बजे भी होगी मैम सामने, बट एक और टाइमिंग है बीच में जो आपको याद रखनी, दैट इज 3 PM. आज मैम एक एक्स्ट्रा टाइमिंग में आएगी, दैट इज 3 PM. मैम और बाकी तीनों एजुकेटर्स जो हमारे अनअकैडमी 6 में है, सोनम मैम, प्राची मैम और मैं, एक स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे विद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. स्टार्टिंग फ्रॉम मी, आपका 3 बजे मैं शुरू कर दूंगी, तो जरूर उसको अटेंड करना मत भूलना. ये सिर्फ आज के लिए है. वैसे मेरा टाइम 11 बजे और 7 बजे ही होता है, बट एक एक्स्ट्रा टाइम मैम आपके लिए आएंगे आज, वो है 3 बजे, तो उसको मिस करना मत भूलना, ठीक है? यस, थैंक यू भवेश, थैंक यू. ओके, लेट्स मूव ऑन. हाय, हाय एवरीवन. ओके, आजकल और फीचर यूज करना मत भूलना. आप कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो इस फीचर के थ्रू. आपको फोटो खींची उस डाउट की, फोटो खींचते यू हैव टू सेंड इट, टेल द सब्जेक्ट, और वहीं पर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है. ये आज का डाउट आपको डेली यूज कर सकते हो आप, राइट? वीडियो सॉल्यूशन हर डाउट का मिलेगा आपको ओनली ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है? ओके, ऑल्सो कॉम्पैक्ट आपका बहुत क्लोज आ गया है संडे को 16 May, राइट? बहुत क्लोज हो गया. आज फ्राइडे है, आपके पास सिर्फ एक और दिन बचा है एनरोल करने के लिए. कैन जल्दी से एनरोल कर लो. May 16, 12 बजे को ये होगा. मैम ही क्लास खत्म होते ही अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस. स्कॉलरशिप वर्थ 1 crore+, जिसको नहीं पता है. एंड top 3 winners को मिलेगा 1 साल का CBSE सब्सक्रिप्शन फ्री. तो ये करना मत भूलना. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा. ये हमारे प्रीवियस कॉमबैक के विनर्स हैं, 1st, 2nd, 3rd रैंक वाले, ठीक है? तो ऐसे आपका भी नाम आ सकता है हर सेशन में. हर एजुकेटर आपको ये बताएगा कि ये रहे top 3 winners. तो आप अगर आते हो तो आपका नाम भी यहाँ पर आएगा, ठीक है? थैंक यू नैन्सी, थैंक यू. हाय धैर्य. नहीं नहीं नहीं, मिस करना नहीं भूला. तो मेरे वर्ड्स कितने जल्दी पकड़ते ना. मिस करना नहीं मतलब मिस मत कर देना. ओ गॉड.
ओके लेट्स स्टार्ट। मोशन मेजरमेंट्स के मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो मोशन एंड मेजरमेंट डिस्टेंसेस, स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, कैसे शुरू हुआ, कितना डेक्स आपका मेजरमेंट कैसे ले रहा है, बेसिकली कर्व चीजों का मेजरमेंट कैसे लेते हैं हमने फिर ऐसी बात करी। उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का एक पूरा अलग सेशन लिया था। स्टैंड यूनिट के बारे में हमने बात करी थी, कब कॉन्फ्रेंस बैठी, कब उन्होंने डिसाइड किया कि SI यूनिट होनी चाहिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी की, ये सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने क्या बात करी, फिर हमने बात करी कि करेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं लेंथ की, मेजरिंग द कर्व लाइन, मूविंग थिंग्स अराउंड, टाइप्स ऑफ मोशंस, ये सारे आपके आते हैं मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस चैप्टर में से। दैट इज अ फिजिक्स चैप्टर फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स, राइट। तो ये टॉपिक बिल्कुल आराम से आपके डिवाइड हो रखे और एक एक करके हमने ले भी लिया। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको उन सेशन से तो आप मेरे कॉमेंट्स में या लाइव चैट में कभी भी बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब तक मैम लाइव आपके सामने, या टेलीग्राम में बताना चाहते हो आफ्टर माई लाइव क्लास, नो वरीज, ठीक है। Yes. Hi Kunal, hi everyone. Very, yes Sheena, very important chapter. और मेरे को तो personally physics पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है। तो अरे likes तो कर दो यार, only 20 likes. Good morning Divyangya, good morning. जब mentee होगा बच्चे मैं बता दूंगी, आप सबको बताए timings, right? ओके जल्दी से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन द लैंड वाटर एंड। ये मैंने सिर्फ दो तीन ही लिखे हैं, आप बहुत सारे यूज कर सकते हो। लाइक आपको पता है हवा में सिर्फ हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कोई भी जेट्स, कुछ भी लिखना है आपको आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके और है आपका वाटर में, आप शिप लिखना चाहते हो, बोट लिखना चाहते हो, सबमरीन लिखना चाहते हो, ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट हो गए आपके। लैंड में आपको बस लिखना है, ट्रक लिखना है, ट्रेन लिखना है, या आपको लिखना है बाइक, आपको स्कूटी लिखना है, आपको कार लिखना है, वो कुछ भी लिख सकते हो लैंड में, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप चाहो तो मैम को बोल सकते हो, मैम और भी चीजें ऐड कर लो, मैं ऐड कर लूंगी। यस शीना, सेम सेम पिंच, कार, जीप, ओ माय गॉड। ओके हाय सिद्धि, हाय एवरीवन, जेट शिप कार, ओ माय गॉड। तुम और बता दो, वॉटर शिप, बोट, ओके, ड्रोन, दैट इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ना। ड्रोन तो आप जैसे इमेजेस या कुछ वीडियो लेने के लिए यूज करते हो, आप खुद थोड़ी ट्रांसपोर्ट हो जाते हो ड्रोन में बैठ के ऊपर से इधर से उधर। थैंक यू जस्मिता, दैट मीन्स अ लॉट। मैम व्हाइट पेन से लिखिए, व्हाइट पेन से लिखूं, अच्छा ठीक है। कार, ओ रॉकेट, रॉकेट तो तुम्हें सीधे स्पेस में नहीं पहुंचा देगा, एक मिनट, ठीक है। आई डोंट हैव व्हाइट बट आई हैव लाइट ब्लू, सो यस यू कैन राइट रॉकेट आल्सो, बट रॉकेट आई डोंट थिंक सो इतना कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तुम्हारे, इधर से स्पेस में घूम के आ रहे हो, तुम्हें ट्रिप लेके आ रहे हो बाहर से, लैम्बोर्गिनी, ओ माय गॉड, ये तो तुम्हारी ज्यादा ही वो हो गई। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चल लेट्स मूव ऑन। पैरिश, हाँ ठीक है, तुम्हें समझ आ गया ना, मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बहुत सारे सीरियस नोट पे मैं बोल रही हूँ कि लैंड और वाटर एयर का, ये तीनों जो आपके मोड्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक आई नो थिंग्स आर अंडरग्राउंड एज वेल, अंडरग्राउंड भी चलती है चीजें, बट आपसे ये तीन ही पूछी जाएगी, आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, राइट। क्लास सिक्स के हिसाब से आपसे ट्रांसपोर्ट पूछे जाएंगे लैंड वाटर एयर का, राइट। ओके लेट्स मूव ऑन, अच्छा यूनिट कन्वर्जन पे आ जाते जल्दी से, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन कर ले हम, चलो भाई कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड, आई डोंट नो हर, बट राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 meters, ओके जी, एंड एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। सो इजी यार, सबको पता है, मैथ्स में इतनी यूनिट कन्वर्जन करते हो गए तुम, या सिर्फ कन्वर्जन भी करते हो गए, तो एवरीबडी नोज कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी आप किसी बड़ी यूनिट में जा रहे होते, जब भी आप किसी बड़ी यूनिट में जा रहे होते, यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड, यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड विद दैट नंबर जितना का डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं किलोमीटर से मीटर में जा रही होती, देन मैं क्या करती, तब मैं मल्टीप्लाई करती, राइट, तब मैं मल्टीप्लाई करती। अगर मैं छोटी यूनिट में वापस जा रही हूँ, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट नंबर। अगर मैं बड़ी यूनिट में जा रही हूँ तो आई हैव टू डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, उतने नंबर से डिवाइड कर दूंगी, और यहां मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई इफ आई एम गोइंग बैक, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, तो सिंपल है, यू जस्ट हैव टू व्हाट, डिवाइडेड, सिंपली डेसिमल लगा दो उतने प्लेसेस में और कुछ नहीं,
राइट right? तो उतनी प्लेसेस में आप डेसिमल लगा दोगे, सिंपल कन्वर्जन हो गई. सबसे इजी होता है मैथ्स में जब व्हेन यू हैव टू डिवाइड विद 10,000, 10,000, 1 लाख, इट्स इजी. आप सीधे ऊपर वाले न्यूमरेटर में डेसिमल लगा दो उतने प्लेसेस की एंड इट्स डन. ठीक है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना. ओके ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट दिस. यूनिट कन्वर्जन सिर्फ इतनी इजी नहीं आएगी, और भी चीजों की आ सकती है, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो. आप आगे कोई भी ओलंपियाड दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वहां पर कन्वर्जन आती आती है. और सिर्फ सिलेबस तक नहीं रहती, यूनिट्स बहुत सारी हैं. लेट मी शो यू. ओके तो यहाँ आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रही है वॉल्यूम की कन्वर्जन और आपको दिख रही है लेंथ की कन्वर्जन. ध्यान से देखना, अगर आप कोई भी डाउट है अभी क्लियर कर देते जितना भी हमने पढ़ा अभी तक. ठीक है चलो, इजी पीजी इलेवन स्क्वीज ही होगी, लेट्स सी. तो आपका वॉल्यूम में 1 मिलीलीटर, यू कैन राइट लाइक दिस, 1 मिलीलीटर हो गया. कितना फर्क है ना, 1000 का फर्क. ठीक है, 1 सेंटीलीटर में 2 डेसिमल्स का फर्क है, 100. डेसीलीटर 1 का फर्क है, 10, 100. ऐसे ऐसे करके आपका बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो ये आप कर लेना. ठीक है, 1 मिलीलीटर इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन लीटर्स. ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो, कैसे भी लिख सकते हो कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, कैसे भी कर सकते हो. ठीक है, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, डजेंट मैटर. अगर मैं इसको अभी ऐसे भी लिख दू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो बात तो वही होगी ना, 1000 इधर चला गया तो 1000 मिलीलीटर हो गया, है ना, बात तो वही होगी. तो आप ऐसे लिखो डेसिमल में, ऐसे लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है चलो, बचा ये यहीं तक ही है, 1 क्यूबिक मीटर तक दिख रहा है ना आपको, ये यहीं तक ही है बच्चा, उसके नीचे कोई लिस्ट नहीं है. डोंट वरी, मेरे कैमरा के नीचे कोई लिस्ट नहीं है, टेबल ऊपर तक ही आपकी. ठीक है, नहीं बच्चा रेड ठीक है ना, व्हाइट में दिख तो रहा है, ब्लैक एंड येलो, येलो तो नहीं दिखेगा आपका, ब्लैक आई कैन डू. ठीक है येलो. अच्छा, जब लेंथ और लेंथ की सारी यूनिट्स देखते हैं, 1 मीटर आपका कितना हो गया, 0.001 मीटर. या यू कैन से 1 मीटर इज इक्वल टू इतना 1000 मिलीमीटर, जैसे आपने लिखा. ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप ऐसे लिखना चाहते हो या डेसिमल में लिखना चाहते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है, 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर, ऑफ कोर्स सेंटीमीटर छोटा देने और मीटर्स, तो 100 का फर्क है. ठीक है, डेसीमीटर का कितना फर्क है, 10 का. हेक्टोमीटर इज ऑब्वियसली अ बड़ा यूनिट देन मीटर. ठीक है, तो उसमें 100 का डिफरेंस आ रहा है. एंड 1 किलोमीटर का तो हम सबको पता है 1000 मीटर होता ही है. अब कुछ और बातें करते हैं जो हमने डिस्कस की है, बट कभी वैसे कन्वर्जन डिस्कशन नहीं करी. लाइक 1 लाइट ईयर हम सबको पता है, इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. हम सबको पता है कि प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, या अर्थ और सन के बीच में आपको डिस्टेंस लेना हो, और वो किलोमीटर में मैं जवाब देती हूँ हमेशा. लाइक आई ऑलवेज से कि अर्थ और सन के बीच में कितना गैप है, 150 मिलियन किलोमीटर का फर्क है. 151 है एक्चुअली, 151 मिलियन किलोमीटर होगा. ठीक है, तो किलोमीटर्स में बिलियन आ गए, इतना इतनी बड़ी वैल्यू आ गई. ठीक है, अर्थ और सन की डिस्टेंस मेजर करने पे, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेजर इन द लाइट ईयर. आई कैन मेजर इन द लाइट ईयर. लाइट ईयर थोड़ा बड़ी यूनिट हो जाती है, तो इट्स बेटर, इट्स कन्वीनियंट. ठीक है, तो लाइट ईयर इज इक्वल टू 0.946 × 10⁻⁶, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, 16 मीटर्स. 0.946 × 10⁻⁶ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, 16 बार 0. ठीक है, मीटर्स. ठीक है, मीटर्स बहुत छोटा है, किलोमीटर्स में भी कर सकते हो तुम, जैसा तुम्हें लगे. ठीक है, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 0.946 × 10⁻⁶ meters. ठीक है, तो ऐसे हम कन्वर्जन करते हैं. मैं ठीक हूँ प्रेम कुमार. यार तुम मेरे ना कलर में चेंज कराते रहो पेन का. यस शीना, बिल्कुल सही, लाइट ईयर इज अ वेरी बिग यूनिट. ठीक है, यस देयर इज टू मेंटी, डोंट वरी, लेट्स मूव ऑन. आपको चलो ठीक है, मैं हटा देती हूँ, किसी को नोट डाउन करना हो तो वो दिखेगा भी नहीं. ठीक है, मैंने हटा दिए. वन इज वॉल्यूम एंड अदर वन इज फॉर द लेंथ. जितनी लेंथ हो सकती है ना, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सबकी यूनिट्स यहाँ पर लिखी हुई है, और वॉल्यूम में जितना आप कन्वर्जन कर सकते हो, जितनी भी यूनिट्स है उनकी टेबल आपको दे रखी है. लेट्स मूव ऑन. देन वी हैव मास, अनदर इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. सो मास में कितनी सारी यूनिट्स आती है, ठीक है, 151 मिलियन किलोमीटर बहुत बहुत फार है बच्चा. यस,
हाय वेदांश. ओके, मास इज 1 मिलीग्राम की अगर मैं बात करूँ, सब इतना फेमस तो नहीं है, बट हाँ मिलीग्राम हम यूज करते हैं. सबको पता है कितना डेसिमल ग्राम है. मिलीग्राम इज स्मॉलर देन ग्राम, सो इतना गैप तो होगा ही, राइट? 1000 का, सेंटीग्राम का 100 उसका फर्क है, डेसीग्राम में 10 का फर्क है. ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है? फिर देखो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है यूनिट, ठीक है? हम सबको पता है 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, यहाँ किलोग्राम बढ़ा है, ठीक है? आउंस, पाउंड आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट इतना नेसेसरी नहीं है. बट किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, दे आर इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है? तो ये याद रखना, ठीक है? यहाँ तक ग्राम बड़ा था, फिर उसके बाद आपका ग्राम छोटा हो गया बाकी यूनिट से, ठीक है? यस, 1 पाउंड इज ऑल्सो 453 ग्राम. अच्छा, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक ही यूनिट में कन्वर्जन करी है. आप नोटिस कर रहे हो सबके सब एक ही यूनिट में कन्वर्ट हुए, दैट इज ग्राम. सबके सब एक ही यूनिट में कन्वर्ट हुए, दैट इज ग्राम. मिलीग्राम हो, सेंटीग्राम हो, सबके पीछे ग्राम ही लगा हुआ है. बस इतना फर्क है कितना का गैप है. मिली का मतलब क्या होता है, सेंटी का क्या मतलब होता है, डेसी का क्या मतलब होता है आगे लगना, डेका का क्या मतलब होता है, हेक्टो का क्या मतलब होता है, किलो का क्या मतलब होता है. अगर किलो लगा होता है, लाइक किलो मीटर्स हो या किलोग्राम्स हो, 1000 का फर्क आएगा ही आएगा, राइट? तो यही फर्क है, बस एक प्रीफिक्स का फर्क है जो आगे लगा हुआ है यूनिट के, और कुछ नहीं, ठीक है? गुड मॉर्निंग, हाय शिखर. ओके, अगर आपको जैसे अगर आपको किलोग्राम में भी जानना है ना, तो अगर आपने एक बार 1 पाउंड को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जितना भी हो, लाइक 52 पाउंड हो अगर, ठीक है, 52 पाउंड को अगर आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना भी है, ठीक है, ग्राम्स में अगर आपने मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना भी है, तो उसके बाद जब वो ग्राम्स में हो जाएगा, उसके बाद उस किलोग्राम में कर दो, कोई चिंता की बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो, नो वरीज. उसके बाद आपको जहां करना है आप कर सकते हो, ठीक है? एक बार कन्वर्ट हो गया, फिर आप किलोग्राम में भी कर सकते हो, ठीक है? हाय रौनक, यस, लेट्स मूव ऑन. अब आता है एक और बहुत अच्छी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज योर टाइम. अब टाइम में इतना कंफ्यूजन नहीं होता, टाइम का बहुत लिमिटेड है, लाइक 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, दैट इज 3600 सेकेंड्स, ठीक है? कुछ नहीं किया, 16 to 60 कर दिया और कुछ नहीं. तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में कितने हो गए, 3600 सेकेंड्स. तो 1 आवर में हो गया आपका इतने सेकेंड्स, ठीक है? कोई भी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 आवर को. देन वी हैव 1 डे 24 आवर्स, 1 वीक 7 डेज, 1 ईयर 365 डेज, बिल्कुल सही, ठीक है? यस, 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 यस. आप डेकेड भी लिख सकते हो, 10 साल होते हैं, सेंचुरी भी लिख सकते हो, कुछ भी, हाँ, आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हो, यस, ठीक है? इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? ये तो बहुत इजी था, राइट? तो बहुत, और मैम ने आपको ये भी दिखाया था आर ग्लास उस दिन, रिमेम्बर? तो ये सब मैंने आपको बातें कर दी थी. बस ये याद रखना बच्चा कि 1 आवर का कैसे कन्वर्जन किया है. पहले 1 आवर को 60 मिनट्स में कन्वर्ट किया, फिर 60 मिनट्स को 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो आपका 16 to 60 हो गया, ठीक है? तो अगर 1 आवर को मेरे को सेकेंड्स में बताना है, मिनट्स में नहीं बताना, तो दैट विल बी 3600, बार बार 6000 बोल रही हूँ, 3600 सेकेंड्स, क्योंकि 60 मिनट्स में करा, फिर 60 सेकेंड्स में ले गए इंटू करके, दैट विल बी 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर, ठीक है? ओके, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि 24 आवर्स में कितने सेकेंड्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी. ओके, चलो एक और क्वेश्चन. विच इज ग्रेटर, 45 kg और 4500 ग्राम्स, कौन सा बड़ा है? 45 kg, नाउ दिस इज इन किलोग्राम्स एंड दिस इज इन ग्राम्स. लग कौन सा बड़ा रहा है, वैल्यू के हिसाब से ये बड़ा लग रहा है, बट यूनिट चेक करनी बहुत जरूरी है. तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों को एक ही यूनिट में ले आओ, या तो इसको किलोग्राम में कर दो या तो इसको ग्राम में कर दो, कोई एक चीज को आप एक यूनिट में ले आओ ताकि कंपेयर कर सकें, ठीक है? तो या तो किलोग्राम को ग्राम में कर दो या तो ग्राम को किलोग्राम में कर दो, ठीक है? तो लेट्स सी, 45 kg इज ग्रेटर देन 4500 ग्राम, एज 45 kg को ग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करूंगी, दैट विल बी 45,000. तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, अब कंपेयर टू 4500 ग्राम्स, ऑब्वियसली दिस वन इज बिगर, दिस वन इज द
ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, ये ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू है 4500 ग्राम से। तो कुछ नहीं किया, आपके 45 किलोग्राम को पहले कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, ताकि वी कैन कंपेयर विद द सेम यूनिट ग्राम ग्राम। या तो आप उसको किलोग्राम में कर देते ग्राम को, या तो इसको किलोग्राम को ग्राम में कर दो, ठीक है, बस एक ही यूनिट में रख लिया। ओनली 43 लाइक्स, बिल्कुल याद सही दिलाया आपने, यस बिल्कुल सही, 45 kg, वेरी गुड। ठीक है, तो जब अब ऐसे तो पता चल नहीं रहा था, ऐसे तो पता चल नहीं रहा था क्योंकि 45 आपको छोटा दिख रहा था, बट द यूनिट वॉज बिगर देन द ग्राम्स, राइट। तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दो, या तो सामने वाले की कन्वर्ट कर लो या उसकी कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में, ठीक है। चलो ओके, लेट्स मूव ऑन, आप थोड़े से हम थ्योरी वाले क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट पानी पी लो। यस यस, आज है 11 बजे, 3 बजे और 7 बजे क्लास। 11 वाली तो अभी चली रही है, ओके। सो राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन। मेरा फैन चल रहा है, फैन चलता है एक ही जगह पे, फैन आगे नहीं बढ़ता, लाइक आई कांट इमेजिन कि फैन ऐसे आगे आगे करके बढ़ रहा है, तब तो मैं रूम से बाहर भाग जाती। ओके, सो आपको पता है आपका फैन एक ही जगह पे घूमता है, एक ही फिक्स सेंटर पॉइंट के आसपास, राइट। और आपकी जो बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल सर्कल भी चल रही है, वो रोटेशन भी कर रही है सेंटर पॉइंट पे, और आगे भी चल रही है, राइट, आगे भी चल रही है। तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, लेट्स सी। ओके, सिमिलैरिटीज यही है कि जो व्हील ऑफ द बाइसाइकिल है एंड द सीलिंग फैन, उनका एक फिक्स्ड एक्सिस है, राइट। लेट्स सी, ये फिक्स्ड एक्सिस ये रहा, ठीक है, लेट मी चूज येलो, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका फिक्स पॉइंट, और उसके आसपास ही वो रोटेट कर रहा है, उसके आसपास ही वो रोटेशन कर रहा है। तो ये और एक सीलिंग फैन भी आपका फिक्स पॉइंट पे ही रोटेट करता है, ठीक है। आपका सीलिंग फैन भी और आपका बाइसाइकिल का जो टायर है, वो दोनों एक फिक्स पॉइंट के आसपास ही रोटेट कर रहे हैं, दैट इज अ रोटेशनल मोशन, या जनरल वर्ड में सर्कुलर मोशन यू कैन से दैट, ठीक है। तो इट इज अ रोटेशनल मोशन, जब भी सेंटर पॉइंट बॉडी के विदिन होता है, अगर सेंटर पॉइंट बॉडी के अंदर होता है और उसी के आसपास वो घूम रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। अगर अंदर ही सेंटर पॉइंट है बॉडी के और वो घूम रहा है उसके आसपास, लाइक फैन, लाइक योर बाइसाइकिल का साइकिल, आई मीन बाइसाइकिल का वो कह रही हूँ टायर, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपका एक ही अपने अंदर जो सेंटर पॉइंट है उसी के आसपास घूम रहे, दैट इज रोटेशनल मोशन। द डिफरेंस इज दैट व्हाट, हाँ ये तो हो गया आपकी सिमिलैरिटी, ये तो हो गया आपकी सिमिलैरिटी कि सेंटर पॉइंट अंदर है उसी के आसपास घूम रहे, रोटेशनल मोशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट कि इसका सिर्फ रोटेशनल मोशन नहीं है, इसका रेक्टिलिनियर मोशन भी है, इसका रेक्टिलिनियर मोशन भी है, दिस इज एल, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन भी है, बाय बिकॉज आपकी साइकिल रोटेट होते होते आगे भी चलती है, आपकी साइकिल रोटेट होते होते आगे भी चलती है, पर आपका फैन वही रहता है, आपका फैन आगे नहीं चल रहा होता ऐसे से करके, ठीक है। तो फैन में सिर्फ एक ही मोशन है, दैट इज रोटेशनल मोशन, बट आपके बाइसाइकिल में रोटेशनल के साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन भी है, ठीक है, रोटेशनल के साथ रेक्टिलिनियर मोशन भी है आपके बाइसाइकिल में, जस्ट रिमेम्बर दिस, ठीक है। यस यस, बिल्कुल सही, मैं आपको ना अलग से दिखा देती हूँ, ये रहा आपका टायर, ठीक है, इसमें क्या था आपका रोटेशनल मोशन प्लस रेक्टिलिनियर मोशन, राइट, क्योंकि आगे भी चल रहा है इस डायरेक्शन में और ऐसे भी चल रहा है, ठीक है, ठीक है जी। और व्हेन आई टॉक अबाउट योर फैन, व्हेन आई टॉक अबाउट योर फैन,
इट डजेंट हैव दिस मोशन बट इट हैज रोटेशन मोशन. ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? सो सिमिलैरिटीज आर द रोटेशनल मोशन एंड डिफरेंस इज दैट इट हैज एक्स्ट्रा मोशन, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन. बच्चा अच्छा मैं बता देती हूँ आपको, क्लियर कर देती हूँ आपको, क्लियर कर देती हूँ मैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर? सर्कुलर इज नथिंग बट अ जर्नल वर्ड. ठीक है, इट इज अ जर्नल वर्ड. उसके अंदर ही आपका रोटेशनल मोशन आ जाता है, उसके अंदर ही आपका रोटेशनल मोशन आ जाता है. बेसिकली सर्कुलर में क्या होता है, सर्कल ये भी हो सकता है कि जैसे कि कोई मान लेते हैं यहाँ पर कोई वुड ब्लॉक है और आप उसके आसपास घूम रहे हो सर्कुलर मोशन में, तो ये वाला पॉइंट तो आपकी बॉडी से बाहर है ना, ये वाला पॉइंट आपकी बॉडी से बाहर है. अंदर भी होता बाहर भी होता डजेंट मैटर, बस आप सर्कल में घूम रहे हो, दैट इज सर्कुलर मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन. बट वेन यू टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन तो हमेशा बॉडी के अंदर ही सेंटर पॉइंट होता है. जैसे कि फैन था, फैन की बॉडी के अंदर ही सेंटर पॉइंट था जिसके आसपास वो घूम रहा था. ठीक है, अच्छा. और जैसे कि बाइसाइकिल में था, बाइसाइकिल में भी जो पॉइंट अंदर था उसी के आसपास वो घूम रहा था, दैट इज रोटेशनल मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन. या कैन से एक्सिस वाला पॉइंट इज रोटेशनल मोशन. ठीक है, बच्चा फैन के नॉट बी पीरियोडिक ना. फैन अभी मैं बंद कर दूं उसका खत्म पीरियोडिक. फिर अब अर्थ क्या है, पीरियोडिक मोशन में ही चलता है. मैं आपको पीरियोडिक भी बताती हूँ, आई विल टेल यू व्हाट इज पीरियोडिक. पीरियोडिक मोशन भी क्लियर कर लो आज ही अपना. ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक टाइम इंटरवल के बाद, एक पक्का टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना. वो टाइम इंटरवल भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि वो चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो सकता आपका टाइम इंटरवल. इफ यू नो कि पूरा अर्थ जो पूरा एक घूम के आएगा और सन के आसपास पूरा एक साइकिल लेके आएगा, दैट विल बी 365 डेज का इंटरवल, दैट विल बी 365 डेज का इंटरवल. यू कैन नॉट चेंज दैट, यू कैन नॉट चेंज दैट. वो 365 फिक्स है. ठीक है, वो 365 डेज क्या आपका फिक्स है. यू नो कि जो अर्थ का पूरा रोटेशन होता है वो लेगा 24 आवर्स, वो फिक्स है. पीरियोडिक मोशन ये नहीं है कि वो रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में है, कर्वी लीनियर मोशन में. इट डजेंट मैटर वो किस मोशन में, द ओनली थिंग मैटर्स इज द टाइम इंटरवल. कि वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कुछ चीज रिपीट कर रहा है, बस. चाहे वो कोई सा भी मोशन, रेक्टिलिनियर, कर्वी लीनियर, लीनियर, जो हो. ठीक है, इट शुड रिपीट इट सेल्फ आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, नथिंग एल्स मैटर्स. ठीक है, ये तुम्हारा मेंटी मेंटी मत करो, लाइव चैट में हो जाएगा. यस, लाइक सीसो ऑल्सो, सीसो, ये सारे एग्जाम्पल भी छोड़ दो, सीसो इज ऑल्सो दिस. पेंडुलम इज ऑल्सो पीरियोडिक. अगर स्पेसिफिक बोलो तो इट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है पेंडुलम, वी ऑल नो दैट. बट स्पेसिफिक नहीं बोलू, जर्नल तरीके से बोलू, इट कम्स अंडर योर पीरियोडिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन आपका पीरियोडिक उसमें ही आता है, लाइक पेंडुलम. आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम वो वहीं पर ही आएगा, उसी पॉइंट में जहां से शुरू हुआ था. ठीक है, ऐसे लेट के मत देखो वीडियो, मुंह पे गिरेगा फोन. ओके, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. दिस इज अ पेंडुलम, देखो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन था, स्टिल इट कम्स अंडर पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन डजंट केयर कि कौन सा मोशन हो रहा है, जो सिर्फ फर्क पड़ता है वो इसलिए फर्क पड़ता है, दैट इज अ टाइम इंटरवल. बस वो रिपीट होना चाहिए आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल और कुछ नहीं. ठीक है, सो ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ही कौन सा मोशन वो ले रहा है. ठीक है, एंड दिस इज नॉट सर्कुलर, दिस इज एक्चुअली इलिप्टिकल. रिमेंबर दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, लाइक एग, एग के तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, नॉट सर्कुलर. देखो कभी वो क्लोज आ रहा है, कभी वो दूर जा रहा है आपका अर्थ, राइट. ट्रांसलेटरी मोशन कुछ नहीं है बच्चा, दैट इज अ लीनियर, रेक्टिलिनियर मोशन और कुछ नहीं है, उसको मत करो कंफ्यूज. ठीक है, जैसे मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन.
चलो लेट्स मूव ऑन. अब ये बताओ आप मेरे को, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव? द गैलोपिंग मतलब जो तेज से घोड़ा भागता है ना, गैलोपिंग ऑफ अ हॉर्स, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन. ये बताओ, ये वाला, निडल ऑफ द स्विंग मशीन, मूवमेंट्स ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है, और कौन सा है, और है आपका ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, द स्मोक फ्रॉम अ लाइटेड धूपबत्ती, एंड व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार. बच्चा पीरियोडिक मोशन ना एक जर्नल वर्ड है, उसके अंडर आता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है. मतलब जब स्पेसिफिक हो जाते हो ना आप टू एंड फ्रो मोशन, तो वो ऑसिलेटरी मोशन में ले आते हैं हम, बट इट ऑल्सो कम्स अंडर पीरियोडिक मोशन, ठीक है. एक जर्नल वर्ड होता है, उसके अंडर फिर पार्ट्स होते हैं और कुछ नहीं. लेट्स सी, आपको मैं बता देती हूँ, दिस इज द लीनियर मोशन, घोड़ा हमेशा सीधा ही भागेगा. एंड निडल ऑफ द स्विंग मशीन इज अ पीरियोडिक मोशन, दिस इज पीरियोडिक. स्विंग मशीन ऐसे चलती है ना टिक 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 करके, पीरियोडिक मोशन. मूवमेंट ऑफ अ मॉस्किटो, व्हाई इट इज सेड कि ये रैंडम मोशन है. रैंडम मोशन इसलिए क्योंकि जब आपका मॉस्किटो हो, हनी बी हो, कोई सी भी बी हो, वो जिग जिग यूं यूं करके चलते रहते हैं रैंडम मोशन में. देयर इज नो वन डेफिनेट मोशन. जब बी की बात करूं, मॉस्किटो की बात करूं, देयर इज नॉट वन काइंड ऑफ मोशन. अलग अलग तरीके से जाते हो, अलग अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन फिक्स नहीं है. दैट इज योर रैंडम मोशन, दैट इज योर रैंडम मोशन, ठीक है. ओके, ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन क्या होगा आपका, आप सब अभी तक तो पता चलेगा, दैट इज रोटेशनल या सर्कुलर मोशन. ठीक है, द स्मोक फ्रॉम एन लाइटेड धूपबत्ती. अब जो स्मोक आपकी धूपबत्ती से निकलती है वो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता फिक्स, दैट इज ऑल्सो रैंडम, दैट इज ऑल्सो रैंडम मोशन, ठीक है. वट एल्स, और व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार तो हमें पता ही है, दैट इज लीनियर या रेक्टी लीनियर बोलो या रोटेशन, ठीक है, दो काइंड होगा. ओके, मच्छर मोशन, ये तुमने ही किया है इन्वेंट मच्छर मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द लास्ट वन. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. ये तो आप दे दोगे आप ना, मार्चिंग ऑफ द सोल्जर्स, कोई बॉल रोल कर रही है, गाड़ी चल रही है, दे ऑल लीनियर मोशन. स्पिनिंग मोशन, अच्छा लीनियर में ना कर्वी लीनियर मत भूलना कभी. जैसे कि आपको बोला जाए कि ट्रिप ले लो दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से कर्नाटका, तो कर्वी लीनियर मोशन आता है, लीनियर के अंडर ही आता है, लीनियर के अंडर ही आता है कर्व वाला, कर्व वाला मोशन. आप कर्वी लीनियर भूलना मत, ठीक है. जब भी आप लीनियर में ऐसे कर्व ले लेते हो ना, दैट इज कर्वी लीनियर. जैसे आप गाड़ी घुमा देते हो ना, दैट इज कर्वी लीनियर, ठीक है. ओके, स्पिनिंग मोशन पे आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम हो गया, पीरियोडिक मोशन अर्थ का ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है. वाइब्रेशन मोशन, जब एक मीन पोजीशन पे कोई वाइब्रेट करता है ना ऐसे, एक ही उस पे पॉइंट पे ऐसे कोई वाइब्रेशन करता है, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन. और सर्कुलर मोशन, हम सबको पता ही चल गया सर्कुलर मोशन में तो बहुत सारे आते हैं. और रैंडम मोशन ले लो, हनी बी का मोशन, मॉस्किटो का मोशन, धूपबत्ती का मोशन, दैट इज ऑल रैंडम मोशन, ठीक है. यस प्रेम कुमार, प्लीज टेल मी, ठीक है. अच्छा मैं एक रिवीजन क्लास रख लूंगी फिर आपका टाइप्स ऑफ मोशन. अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो आई विल कीप वन मोर क्लास में, फिर मेरे को पूरा एक घंटा चाहिए दोबारा से एक्सप्लेन करने में. मैं सारे एग्जांपल्स आपको बता दूंगी, ठीक है, जो रह गए उसका भी बता दूंगी. ओके चलो, बट स्टिल प्लीज नोट इट डाउन, ये एनसीईआरटी के सारे आपके सॉल्यूशन हैं. अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दे कैन गो टू द प्ले स्टोर, इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप. यू विल सी टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस और सारे आपके सब्जेक्ट्स और पीडीएफ्स अवेलेबल. यू कैन यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ 24/7 एक पर्सनल मेंटर लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलेगा. फॉर 6 to 12 क्लासेस जितने का भी आप सब्सक्रिप्शन लो, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड, दैट इज SM राणा, ठीक है. सेम फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. न्यू अकेडमिक ऑफर इज वैलिड अप टू 16th of May, ठीक है, ये भूलना मत. फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स को एक्सटेंडेड ऑफर मिलेगा CBSE का, एंड फर्स्ट 500 को मिलेगा क्रिएटिव कॉर्नर और यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन फ्री, ठीक है. चलो
ऑल्सो दे हैव फ्री स्पेशल क्लासेस, टेस्ट सीरीज लेना मत भूलना, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप में. डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड टू गेट टू अनलॉक इट, द फ्री स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज. ओके चलो, सो द फर्स्ट कोड फॉर द मेंटी इज 7749447. यस बच्चा, जो मेजर शिखर जो मोशन है वो यही है. द कोड इज 7749447. हाय एवरीवन, इट्स ओके शानवी, गुरजस मेंटी में आ जाओ. 7749447. You have to go to menti.com and you have to enter this code. ठीक है? Okay, let me activate it. एक्टिवेट हो रखा है बच्चा, यानी गायब क्यों जाते है. ओके दिस इज द कोड. यस द कोड इज 7749447. Yes, I'm waiting, waiting. No worries. एक मिनट में एक्टिवेट कर रही हूँ. एक्टिवेट हो गया आपका, इस कनेक्शन लॉस हो गया. एक मिनट हो गया, ठीक है अब एक्टिवेट हो गया, जल्दी से आ जाओ. द कोड इज 7749447. अब हो गया एक्टिवेट. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. सेवेंटी थ्री स्टूडेंट्स आर देयर, लेट्स गो. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, देयर 14 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट मेंटी. Okay, the motion of a rotating fan is rotational, translating a rectilinear. Okay, Kunal. It's okay. The answer is rotational. Let's see the leaderboard. Leaderboard है आपका. We have Dr. G और Mayank और Aditi. दोनों तीनों के तीनों fastest थे. Lola, Brijeshir, Nivas and Ishan, Ayush, Santanu और Vishwajit are on the leaderboard. Let's see the next question. Question number 2. Motion of a car from Delhi to Chennai is rotational, curvilinear or circular? Batao. Bacha, if I like, main sirf agar journal bolu to this one circular, rectilinear aur aise karke fir rotational aur oscillation aur vibration ke under aa jata hai. ठीक है, तो जब प्रियोटिक सर्कुलर रेक्टिलिनियर की मैं बात करती हूँ, दे आर द मेन वंस. ठीक है, उनके अंडर आते हैं इसलिए. थैंक यू इंस्टा. हाय संगीता, द आंसर इज कर्वी लीनियर. वेरी गुड, 57 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. लेट्स सी द लीडर बोर्ड.
मयंक, अदिति और श्रीनिवास टॉप 3 और ऑल्सो द फास्टेस्ट वन. मनीष, ब्रजेश, आयुष, उत्कर्ष आपका फैन, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन. ठीक है, भवेश, गुरुजस एंड आरोही आर ऑन द लीडर बोर्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज 3 PM है, आज है ये वाली क्लास 3 PM और 7 PM क्लास, 3 बार आएगी मैम, 3 बार. बोर मत हो जाना मैम से. मोशन ऑफ अ बी इज रोटेशनल, रैंडम मोशन या लीनियर? बताओ. मोशन ऑफ अ बी लाइक दिस. Everyone has voted. Yes, it is random motion. Let's see a leaderboard. Yes, Insta. Okay, very good. Aditi Mayank and Srinivas are on the top 3 position. Let's see the next one. Next one hai aapka question number 4. Yes, zigzag motion. That comes under random motion only, Lakshmi. Come on, motion of the earth with respect to the sun, rectilinear rotation and circular motion. And do not forget to watch my premiere video. कि अगर सन आपका छोटा हो जाए अर्थ से तो क्या होगा. ठीक है, कम ऑन. 6. ओके, 6 सेकेंड बोलने वाले थे, उससे पहले खत्म हो गया. वेरी गुड, इट इज रोटेशनल एंड सर्कल. लेट्स सी. इट्स ओके गुरजस, इट्स ओके, नो वरीज. ओके, सो वी हैव अदिति, ब्रिजेश एंड मनीष, आयुष, उत्कर्ष, गुरुजस, मिंचू, दिव्यांका, श्रीनिवास, विश्वजया ऑन द लीडर बोर्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. ओके अभिनव, When you drop a ball from a building, this is a dash kind of motion. Rotational, rectilinear, oscillatory motion. बताओ. 74 बच्चों ने अपना जवाब दे दिया है. अच्छा, आज शाम को 7 बजे हमने फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर शुरू करना है, उस क्लास में आना, जरूर आना है आपको 7 बजे वाली क्लास में. ठीक है, यस, द आंसर इज ऑफ कोर्स रेक्टिलिनियर. वेरी गुड, लेट्स सी द लीडर बोर्ड. बाय आरोही. ओके, सो वी हैव अदिति, ब्रिजेश, आयुष, गुरुजस, मिंचू, श्रीनिवास, उत्कर्ष, विश्वजया, अनीश एंड छवि ऑन द लीडर बोर्ड. वेरी गुड. मेंटी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसा क्यों? मेरा तो रिस्पॉन्ड कर रहा है. आपका रिफ्रेश कर लो. द वाइब्रेशन इन अ कार व्हेन यू स्टार्ट, ऐसे करके शुरू करते हो आप एंड वो शुरू होती है, उसमें क्या फील होता है आपको? रोटेशनल, ऑसिलेटरी, वाइब्रेशनल या सर्कुलर मोशन? ओह आरोही, जल्दी से रीजॉइन कर लो, कोई नहीं, बड़ा वाला मेंटी है, इट्स 14 क्वेश्चंस का मेंटी है, आ जाओ जल्दी से. कर रहा है हिजल चोपड़ा. ओके, कम ऑन. ओहो, ए टू हमारा वो जोक कर रहा था, बताओ, ऐसे थोड़ी करते हैं. यस, लेट्स सी लीडर बोर्ड. सो वी हैव
अदिति, आयुष, ब्रिजेश, श्रीनिवास द फास्टेस्ट, गुरुजस, उत्कर्ष, मिंचू, अनीश, छवि एंड विश्वजय ऑन द लीडर बोर्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच देव. क्वेश्चन नंबर 7, और हम हाफ पहुंच चुके हैं मिंटी के. हाय सुनीता, इट्स ओके आरोही. अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कहते हैं? लाइक मैं यहाँ खड़ी हूँ एंड आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग, ठीक है, अपने पॉइंट से आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग, तो मैं उसको क्या कहूंगी? इफ आई वॉन्ट टू प्लॉट इन अ ग्राफ और अ डायग्राम, तो मैं जहाँ खड़ी हूँ उस चीज को मैं क्या बोलती हूँ? एक और टर्म यूज होता है, एट रीसेट और इन मोशन, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या मैजिकल, बताओ. हेलो सुनीता, हाय एवरीवन. Yes, the answer is frame of ref. Oh, हर चीज मोशन में थोड़ी हो सकती है, रेस्ट में भी तो हो सकती है. इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. What type of motion is this? ये जो छोटी सी पिक्चर आपको दिख रही है, जो आपको बहुत पसंद है, जॉइंट व्हील, सर्कुलर है, लीनियर है या कुछ नहीं है, बताओ. बताओ. 18 सेकेंड्स लेफ्ट. ट्वेल्व सेकेंड्स नाउ. ओके, 2, 4 सेकेंड्स लेफ्ट. यस अभिनव, वाई ओनली 69 लाइक्स? लेट्स सी द लीडर बोर्ड. यस आरोही, उत्कर्ष, ब्रिजेश, मिंचू, आर्या, रोमी, तरुण, सानिका, पपी एंड धैर्य एंड अदिति इज द फास्टेस्ट वन. कंग्रेचुलेशंस उत्कर्ष, ब्रिजेश एंड मिंचू. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपका नाम मिंचू ही होगा. क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि अगर आप आ गए टॉप 3 लिस्ट पे और मैंने लिख दिया मिंचू सर्टिफिकेट में, तो फिर देखना. यस, ये नाम होना चाहिए, फिर नाम मैं चेंज करवाना अपना. फाइंड द ऑड वन आउट, लीनियर, फ्रिक्शनल या रोटेशनल. आपको इसमें से ऑड वन आउट कौन सा लग रहा है वो आउट कर दो पूरा टिक करके. थैंक यू अदिति, हाय. कम ऑन, एटी वन स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया है. 5 सेकेंड्स है लेफ्ट. Come on. Yes, the answer is frictional force is not related to your linear motion, your rotational motion. Let's see the next, I mean the leaderboard. Okay, so we have Utkarsh, Minchu, Arya, Romi, Tarun, Sanika, Puffy, Dhairya, Aditi and Srinivas on the leaderboard. Let's see the next question. Next question, I have a question number 10. हाय अन्वेषा, आओ देखे जरा किसमें कितना है दम. ओके, मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर रोटेशनल रेक्टिलिनियर या पीरियोडिक. आप देख सकते हो कितने डिसिप्लिन के साथ वो मार्च कर रहे हैं, तो टेल मी कि वो कौन सा मोशन है. ओके, 2, 18 सेकेंड्स लेफ्ट. ओके मायंग, नो प्रॉब्लम. Four seconds left. Rectilinear motion. Yes, Ashok. No worries. Question number 11. Yes, issue. Bilkul sahi. Now the wheels of the bicycle show रोटेटरी, रेक्टिलिनियर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बताओ. ओके मैम, नो प्रॉब्लम.
13 सेकेंड्स लेफ्ट. कम ऑन. टाइम इज अप. ये साथ में लिखना चाहिए था मेरे को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन. सही वाला आपको चूज करना है. अगर ए सही है तो ए करो, बी सही है तो बी सही, सी है तो सी, वरना अगर सारे सही लग रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव. जल्दी बताओ क्या ब्रेकिंग न्यूज है रोही? नहीं, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है. या ही इज, डोंट वरी अशोक. हाय उदिति. Okay, all of the above is the right answer. Let's see. Very good realistic education, 98%. Congratulations. Okay, so we have Utkarsh, Romi, Tarun, Arya, Minchu, Puffy, Aditi, Brijesh, Shavi and Srinivas. Let's see. Achha, Rohi, okay. Question number second last. ये मेरे बच्चे हैं स्विंग्स में. व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज शोन है? रोटेटरी, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर. अनलेस आप अपने फ्रेंड को ऐसे ऐसे घुमाते हो स्विंग में, सर्कुलर मोशन तो नहीं हो सकता. कम ऑन, 14 सेकेंड्स. Time is up. It's periodic motion. Very good. Let's see the final question. उसके बाद हम leaderboard देखते हैं. Types of motion इनमें से कौन सी है? बच्चे periodic motion is a motion. It can be any type. किसी भी direction में. It could be circle or it could be anything. But the thing is periodic motion में सिर्फ time interval का game होता है. Time interval fix है और वो motion time हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, दैट इज पीरियोडिक मोशन. ठीक है? यस, देयर इज वन मोर मेंटी ऑफ 5 क्वेश्चंस. दिस इज सुपर इजी और बहुत सारे ऑप्शन जिसको ए नहीं दिख रहा, दिस इज पीरियोडिक, रोटेशनल, सर्कुलर, कर्विलिनियर, रैंडम या ऑल. 4 सेकेंड्स लेफ्ट. And the answer is of course all yes. क्या बात है, कैसा ग्राफ दिख रहा है. Okay, let's see the final leaderboard. So we have Romi, Arya and Minchu on the leaderboard. Romi, congratulations बच्चा, बहुत बढ़िया खेला आपने. The first है Romi Sharma, second है Arya. Congratulations. And third है Minchu. So Romi को मिलता है एक नया सर्टिफिकेट. Congratulations Romi. First position. Second है Arya. Congratulations. Third है, oh, Minchu. Congratulations बच्चा. तो Minchu, Arya and Romi, congratulations, बहुत बढ़िया खेला. Next mentee का code है, ये सिर्फ 5 questions का code है. Oh, I mean 5 questions का mentee है. You have to go to mentee.com. You have to go to mentee.com and then you have to enter this code. That's 402983554028355. चलिए आ जाओ.
स्कॉलरशिप लाइक सब्सक्रिप्शन के लिए कॉम्बैक्ट हो रहा है, वो हर संडे होता है. देव जागवनी आपको मैं बता रही हूँ कि जो कॉम्बैक्ट है हर संडे 12 बजे, इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. तो स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए लाइक फ्री सब्सक्रिप्शन, वो आपको कॉम्बैक्ट के थ्रू मिल सकती है अगर आप टॉप 3 विनर्स में हो, या इवन इफ आप 150 विनर्स में भी हो तो भी आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप में मिलेगा. ठीक है. यस एक्टिवेट हो रहा है आपका, डोंट वरी. ओके थैंक यू. अच्छा टेलीग्राम में जो ग्रुप है ना, वहां पर आप पूछ सकते हो. चलो सिर्फ 65 बच्चे आए हैं अभी तक, जल्दी से कोड नोट डाउन करो. दिस इज 4029835. ठीक है. हाँ जी रितिका, एक 3 बजे भी, एक 7 बजे भी है. हाय वर्ष, लेट्स स्टार्ट. आ गए बच्चे. ओनली 5 क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर 79 लाइक्स. And the pace an object travels in a certain amount of time is speed, acceleration, motion. I told you about the speed. Speed is distance upon time. So distance bhi chahiye hota, time bhi chahiye hota for your speed. Speed ki measurement ke liye. And what is the SI unit of speed? That is meter per second according to distance upon time. Theek hai? Hi Sahil. Come on, 4 seconds left. Yes, that is speed. Next, देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 2. What two things do you need to find speed? कोई नहीं आ रही, आ जाओ जल्दी से. You are Earth Man. Okay. Seconds left. What two things do you need to find speed? Okay, the answer is both distance and time. Very good. Okay, main zara leaderboard dekh lu, kaun hai Earthman? Okay, so we have these top 3 winners right now. Let's see the next question. Question number 3. SI unit, that is a standard unit for speed. लॉट तो मतलब किलोमीटर आर भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी आपके लिए, बट बेसिकली कौन सा SI यूनिट है, टेल मी, बताओ. मैंने थोड़ी हिंट तो दे ही दी. ओके आरोही, इट्स ओके विशु, प्लीज इग्नोर हिम. नहीं, दिस इज द लास्ट वन. यस सेम टू यू मोहम्मद खान. Five seconds left. Okay, the answer is meter per second. Let's see the next question. Next question, I have a question number 4. Okay, what is oscillatory motion? Moving straight in different direction. Yeah, oscillatory motion is defined as a to and fro motion of an object. 30 seconds, come on.
बच्चे टेलीग्राम में देयर आर सो मेनी एजुकेटर्स, यू कैन आस्क द डाउट. कम ऑन टेल मी, 10 seconds लेफ्ट, देयर इज नो डी ऑप्शन. ओके लेट्स सी, इट वॉज सुपर इजी, ऑब्वियसली मैंने ज्यादा उसको लिख भी रखा है, इट इज योर सी ऑप्शन. लेट्स सी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ अ लीडर बोर्ड देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, पीरियोडिक मोशन डेफिनेशन. पीरियोडिक मोशन इन फिजिक्स, मोशन इज रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या टाइम इंटरवल, या हैपेंस इन इररेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या नॉन. 30 seconds, कम ऑन. अपना जवाब दे दिया है. यू आर लेफ्ट विद ओनली 20 seconds, कम ऑन. हाय तन्वी, हाय एवरीवन. ओके सो यस, आंसर इज ए ऑप्शन. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. So we have Tarun, Brijesh and Utkarsh. Congratulations. Very good. So Tarun, congratulations. First position. Second is Brijesh. And third is Utkarsh. Congratulations. Tarun ko milta hai naya certificate. Congratulations. Second position है ब्रिजेश की. Congratulations. Third position है उत्कर्ष की. Congratulations. So उत्कर्ष, ब्रिजेश and तरुण, well done. And thank you so much. अब मैम आपको मिलेंगी straight 3 बजे, 3 PM एंड 7 PM बचा. ये सिर्फ आज का स्पेशल टाइमिंग है 3 बजे. वैसे मैम का टाइमिंग 11 बजे और 7 बजे ही है, ठीक है. वो टाइमिंग फिक्स है बट ये एक्स्ट्रा आज, ठीक है. डू नॉट फॉरगेट टू यस सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर. बाय बाय.